बोल तो दिए, अब ये क्या है? पामा घमा पादे पामा पामा घमा पामा घमा घरे था, ये जो प्रकार है ये पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या बोलना है। ये जो नौमतम प्रकार किस लिए है, इसके कारण क्या है? मैंने सबसे पहले उसमें बोला था कि तराना में कुछ ना कुछ बात है, तो यही सभी जो प्रस्तार पलटे हम जो सीखेंगे सीखने वाले हैं, ये नोटेशन में तो बोलना ही है, साथ में अहंकार में भी बोलना है और साथ में नौमतम में भी बोलना है। ये तीनों का निरंतर प्रयास, सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा भी किए तो बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा 10-10 घंटा रियाज करने की। लेकिन जो भी रियाज करोगे सोच के समझ के हिसाब से करना है, जान के करना है, जान डाल के करना है। नहीं तो बैठे हुए हैं रियाज कर रहे, बस 2 घंटा रियाज करने को गुरुजी ने बोला है, रियाज किए लेकिन ध्यान कहीं और था तो ये पूजा सफल होगी नहीं। हमको अपने संगीत को पूजा के माध्यम से देखना है, अभ्यास निरंतर करना है, लेकिन अभ्यास को पूजा के माध्यम से देखना है तो बात बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। 2-4 आलाप ताले घुमा लिए, याद करके लोगों के सामने गा लिए, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन खुद के अंदर जब झांक के देखो आप सेटिस्फाइड नहीं। आपको भी पता है कि आपने 4 आलापे याद किया है, 4 ताने याद किया है और लोगों के सामने जो है वो लाइट में जैसा बोल दिया है, लेकिन पंचम को पंचम बोला है क्या, दैवत को दैवत बोला है क्या, जो तान आपने घुमाई है उसमें नोटेशंस जो लिए हैं वो परफेक्ट है क्या, आपको जानकारी उसकी होती है क्या? बोल तो दिए, अब ये क्या है? पामा घमा पादे पामा पामा घमा पामा घमा घरे था, ये जो प्रकार है ये पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, फिर दिल को वहां तक ले जाना है, फिर सोचना है कि तो चीज बनती है। एक छोटा टुकड़ा तान लेने से उसकी 100 नहीं लाखों ताने बनती है। हम लोगों को कॉपी सामने लेते हैं, बस गुरुजी ने 4 ताने दिए, बस रख दिए, कर लिए, हो गया एग्जाम नहीं आता है। अच्छा दूसरा राग आता है, राग जमा करके क्या करोगे? सुरों को जमा करो, आत्मा को जमा करो। राग तो 50 होनी, कितना 34,848 राग है, 34,848 राग है, 72 थाट से 1 से 484 के हिसाब से निकलते हैं। छोड़ो 34,000 भी छोड़ो, 3.4 इसको 50 मालूम है, इसको 3-4 ही मालूम होते हैं, और वो 3-4 में ही आदमी जब खो जाता है तो उसको स्वर्ग सुख मिलता है, आर्टिस्ट बन जाता है। किसी चीज का ध्यास रखो, उसको पाने की तमन्ना रखो, लेकिन मंजिल पे पहुंचने की जल्दी नहीं करना है, वो अपने आप निकल जाती है। भारत रत्न मिलना चाहिए, इसलिए अगर खेलते रहते तो भारत रत्न नहीं मिलता, खेलते गए भारत रत्न दिखाते गए। आप सब लोग सीखने वाले हो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, साधना करते रहना है। जैसे हमें मृत्यु कब आएगी हम का वेट नहीं करते, वैसे गायक कब बनोगे इसका वेट नहीं करना है। गायक बनना ना बनना ये किस्मत की बात है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना ये मेहनत की बात है। हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, रियाज नहीं करोगे तो वो चीज का सपना भी देखना आपका गुनाह है। तो करना क्या है, किस तरीके से करना है, यही तरीका मैंने हर एपिसोड में आपको लेके बैठता हूं। मुझे आपके पास पहुंचना है, सही गाना पहुंचाना है, इसलिए मैं ये सब कष्ट कर रहा हूं, क्योंकि सही गाना आपको भी आनंद आना चाहिए, इसलिए